हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मसाला फिश करी। अगर आप इस तरीके से मसाला फिश बना लिया तो आप हर बार ऐसे ही फिश करी बनाना पसंद करेंगे। मैंने इस फिश करी में सीलन फिश का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी फिश, रेहू, सीलन, कतला, कोई भी फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मसालेदार सरसों वाली फिश करी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मछली की मज़ेदार रेसिपी। यहाँ पर मैंने 12 से 15 लहसुन की कलियाँ, 2 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च और 2 चम्मच सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज प्याज, 2 टमाटर और हरा धनिया लिया है। अब मैं यहाँ पर कटा हुआ प्याज और टमाटर है, उसी में से मैंने प्याज और टमाटर और खड़े मसाले सभी को मिक्सी में डालकर पीस लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 1 केजी सीलन फिश लिया है। आप अपने मनपसंद के कोई भी फिश इस्तेमाल कर सकते हैं। फिश को मैंने अच्छे तरीके से धोकर अलग कर लिया है। आप 2 से 3 बार मछली को ज़रूर धो लें जिससे कि वह अच्छे तरह से साफ़ हो जाए। मैंने यहाँ पर मछली को धोकर रख लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ मसाले में लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच नमक, और इसमें वो जो मसाला पीस के रखा था वो भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। और सभी को मिलाते हुए, मछली में अच्छे से कोटिंग करते हुए सबको मिला लेंगे। इन सभी मसालों को अच्छे तरीके से मिला लेने के बाद 7 से 8 मिनट तक इसको छोड़ देंगे, जिससे कि मसाला का टेस्ट मछली के अंदर तक चला जाए और मछली खाने में टेस्टी लगे। अब मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने यहाँ सरसों तेल का यूज किया है। आप जो तेल खाते हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में मछली ज़्यादा अच्छी बनती है, इसीलिए मैंने यहाँ सरसों तेल का यूज किया है। तेल को हाई फ्लेम पे गर्म होने के बाद मैंने इसमें मछली डाल दिया है। उसके बाद मछली को 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रहने दें। 2 मिनट बाद ही इसको पलटें, इससे मछली टूटेगी नहीं। 2 मिनट के बाद मछली को सावधानी से पलटें ताकि तेल का छींटा ना पड़े। मैंने यहाँ मछली को अलट पलट कर दोनों ओर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मछली कितनी टेस्टी और क्रिस्पी लग रही है। एक बैच मछली को फ्राई करने में 4 से 5 मिनट लग जाता है, इसीलिए मछली को 3 से 4 बार अलट पलट कर फ्राई कर लीजिए। मैंने यहाँ 3 से 4 बार पलट कर फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको निकालूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मछली कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। इसी तरह मैं सारे मछली को अच्छे तरह से फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पर सेकेंड बैच मछली डाल दिया है, इसको भी अच्छे से फ्राई करके निकाल लूँगी। मछली को आप फ्राई किया हुआ भी खा सकते हैं, फ्राई किया हुआ भी मछली बहुत टेस्टी लगता है। मछली को फ्राई करते वक्त मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें, लो फ्लेम पर ना करें। लो फ्लेम पर मछली तलने से मछली तेल अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे मछली क्रिस्पी नहीं होती है। यहाँ पर मैंने सारा मछली को तल कर तैयार कर लिया है। मछली तलने के बाद भी काफ़ी तेल बच गया, इसमें ही ग्रेवी तैयार करेंगे।
ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ खड़े मसाले, तेजपात और जीरा डाला है। आप यहाँ बड़ी इलायची और दालचीनी भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। प्याज को अच्छे तरह से सॉफ्ट होने देंगे जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। प्याज को अच्छे से चलाते हुए सॉफ्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी चेंज हो गया और प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब इसमें जो मसाला पीस के रखा हुआ था वो डाल देंगे। मसाला को फ्राई करने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। प्याज और मसाले को 5 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। उसके बाद फिर इसमें कुछ सूखे मसाले भी डालेंगे। मसाला को 5 मिनट तक भुनने के बाद आप देख सकते हैं मसाला का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें आप सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर और 2.5 चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना नमक खाते हैं उतना ही आप डालें। सारे मसाले डालने के बाद 2-2 मिनट पर मसाले को ऐसे चलाते हुए पका लें। उसके बाद टमाटर डाल दें। मसाले को आधा भुनने के बाद ही टमाटर डालें, जिससे पहले मसाला भी भून जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए, इसीलिए टमाटर बाद में डालें। अब आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लगा है, जिससे पता चलता है कि मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं मसाले में 2 ग्लास के करीब पानी डालूंगी। आपको जैसा ग्रेवी चाहिए, पतला या थिक, जैसा भी चाहिए, आप उस अनुसार से पानी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। जैसे ही ग्रेवी में उबाल आ जाएगा, उसमें गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद इसमें फ्राई किया हुआ मछली को डाल देंगे। मसाला को अच्छे से भुनने के कारण आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। मैंने यहाँ पर सारे मछली को डाल दिया है। अब इसमें उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा, मछली को हल्के हाथों से ऐसे इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिश मसाला का यूज किया है। मैंने 2 चम्मच के करीब फिश मसाला डाला है इसमें। जिससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। इसके बाद 5 मिनट तक रहने देंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता डालने के बाद तुरंत ही गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अब ये हमारी मसालेदार फिश कड़ी बनके तैयार है। अब कर लेते हैं फिश करी का प्लेटिंग। मैंने यहाँ पर चावल लिया है, फिश लिया है और सैलेड लिया है। आप इस फिश करी को ज़रूर ट्राई करें, आपको यह फिश करी बहुत पसंद आएगी। तो कैसा लगा आपको मेरे ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।